अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया था वर्डप्रेस क्या होती है, किस तरह होती है, और उससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को होस्टिंग वगैरह परचेस करना बता दी थी 800 रुपीज़ में आप होस्टिंग किस तरह परचेस कर सकते हो। नहीं देखी वो वीडियो तो मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप भी प्रोफेशनल होस्टिंग खरीद सकें, सस्ते रेट्स में खरीद सकें और आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट लॉन्च कर सकें जिससे आप ऑफिशियल ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप थीम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, कौन सी थीम आपके लिए बेस्ट है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाएगी, कौन सा प्लगइन बेस्ट है, किस प्लगइन्स को डाउनलोड करना है जो कि इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, मैंने आप लोगों को बता दिए। इन प्लगइन्स को लाजमी डाउनलोड कर लेना, लाजमी एक्टिवेट कर लेना ताकि आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर सके। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें जो है वो सिखा दी थी वर्डप्रेस की, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस में थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी तक देखें मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से नजर आ रही है, लेकिन जब आप जाएंगे एम्पीरियंस में, आप जाएंगे थीम के सेक्शन में, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट थीम कौन सी होती है जो कि फास्ट वर्क करे। तो आपने यहाँ पर देखें एड न्यू पर क्लिक करना है। एड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सर्च का। अब वैसे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी थीम शो रही होंगी, आप ऐसे नहीं कोई भी उठा के यूज कर लें जिससे आपकी वेबसाइट स्लो भी हो सकती है, क्योंकि ये थीम जो है वो इतनी परफेक्ट मे बी वर्क ना करें आपके लिए, क्योंकि मैं आपको एक प्रोफेशनल थीम बनाने वाला हूँ। ये देखें ये जो थीम है इसको हम प्रीव्यू भी करके दे सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है न्यूज़, हम देखते हैं ये थीम किस तरह से। अगर आपको मैंने पिछली वेबसाइट दिखाई थी, पिछली वीडियो में ये वाली वेबसाइट दिखाई थी, तो ये देखें इसकी जो थीम है कुछ इस तरह से है। और मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था ये मेरी ही वेबसाइट थी tipspot.com, मैंने इसको सेल आउट कर दिया था। तो इसका जो थीम लेआउट है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें एड्स वगैरह शो रहे हैं, हमें जस्ट अर्निंग करनी है। थीम का लेआउट अच्छा होना चाहिए, साइट फास्ट होनी चाहिए। देखिए आपने कितनी फास्ट खुली है ये वेबसाइट, ये देखें इस तरह से। अब ये जो थीम है ये भी थीम कुछ इस तरह से है, ये देखें यहाँ पर आपको सारे आर्टिकल शो हो जाएंगे आपके, अगर जो भी आप लिखेंगे। तो आज मैं आपको थीम और प्लगइन्स का कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखें हम चले जाते हैं अपने थीम में, तो मैं चाहूंगा तो ये वाली थीम भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इंस्टॉल करें एस्ट्रा। ये लिखा हुआ एस्ट्रा, अगर यहाँ ना मिले तो आप लिख भी सकते हैं एस्ट्रा। ये बहुत फास्ट थीम है और बहुत पॉपुलर थीम है, ये प्रीमियम है वैसे तो, लेकिन ये फ्री में भी बहुत अच्छा वर्क कर लेती है। इसके कुछ फीचर जो है वो आपको प्रीमियम मिलेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ये देखेंगे इंस्टॉल हो गई, देन आप करेंगे एक्टिवेट पर क्लिक। अब ये आपकी थीम जो है वो एक्टिवेट हो गई है एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पर अब अपनी वेबसाइट को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, अभी का लेआउट देखें, देन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें आपको थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये देखें अब ये बिल्कुल चेंज हो गया, फॉन्ट वगैरह छोटे हो गए, और यहाँ पर लिखा गया पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम कॉपीराइट 2023 Zorin। तो अब देखें यहाँ पर ये इस तरह से थीम आपकी आ गई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की तरफ चलते हैं, मैं यहाँ प्लगइन्स के सेक्शन में क्लिक करूंगा, आपने ऐड न्यू करना है। अभी के लिए देखें मैं जब भी कोई आर्टिकल लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपको पोस्ट में लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड न्यू करूंगा, मैं आर्टिकल लिख तो दूंगा। ये देखिए मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया और ये रहा टाइटल, ये रहा डिटेल, मैंने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन इसकी नहीं कर सकता। कस्टमाइजेशन में कैसे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इस आर्टिकल को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें इस तरह से ये जो लगा हुआ है, एक तो ये चीज़, देन ये देखें टेबल ऑफ कॉन्टेंट, देन ये इमेज, ये देखें प्रोस एंड कॉन्स, देन ये इमेज, ये प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, तो इस तरह की मैं कस्टमाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लूँ जिससे जो है ये सारा काम मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाए। तो मैं प्लगइन के सेक्शन में जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे आप। ऐड न्यू के बाद ये लिखे हुए कीवर्ड और ये लिखा हुआ सर्च प्लगइन, तो सबसे पहले जो आपने इंस्टॉल करना है वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे तो ये आपके पास सबसे फर्स्ट पर आएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन ये रहा एसेंशियल एड्स ऑन फॉर एलिमेंटर, आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपको कुछ फीचर्स इसके भी प्रो मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्री में जो है वो इस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ही आपकी अर्निंग बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप ये सब प्रीमियम पैकेजेस वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ एलिमेंट किट, मैं इसको भी इंस्टॉल कर लूंगा। ओके, तो ये सारा इंस्टॉल हो गया। अब और प्लगइन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखना है फॉर्म, जस्ट आप फॉर्म लिखेंगे तो ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आपने इसको भी इंस्टॉल करना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या होता है ये भी आपको मैं अभी इंट्रोडक्शन देता चलता हूँ। ये लिखा हुआ कॉन्टैक्ट, इनके मैंने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया। ये जो फॉर्म बना हुआ है, देखिए कुछ भी आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना हुआ आएगा। तो ये जो फॉर्म है ये भी इसी कोई प्लगइन से बना हुआ होगा, तो यहाँ पर आपने इस फॉर्म को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, वैसे तो आपको बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूंगा आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ही इंस्टॉल करें। अब जैसे कि कोई भी आर्टिकल सर्च करता है, जैसे कि लिखा ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल को टॉप पे लाने के लिए हमें करनी होगी SEO। तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर एक सर्च करना पड़ेगा। कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर SEO लिखा, तो यहाँ पर SEO से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे, जैसे कि Yoast है, रैंक मैथ है, ऑल इन वन SEO है, तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो है ऑल इन वन SEO के साथ जाएं, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया मैंने, ताकि आपके जो भी आर्टिकल आप लिखें वो
टॉप पर है। अभी आगे मैं आपको आर्टिकल लिखना भी सिखाऊंगा, यहाँ पर पोस्ट करना भी सिखाऊंगा, कीवर्ड फाइंड करना भी सिखाऊंगा, लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करना भी सिखाऊंगा। सब चीजें आपको इसी चैनल पर सीखने को मिलेंगी। अभी जस्ट हम इसको जो है वो सेटअप कर रहे हैं। ये सारा हो गया, आपने दोबारा प्लग इन के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जितने भी प्लग इन है वो शो हो रहे होंगे। आपने जो फजूल के प्लग इन है जैसे कि ये है, आपने इनको डिलीट कर देना। मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। देन आपने ये वाले सेक्शन को क्लिक करना है, यहाँ पर आप जाएंगे बल्क एक्शन में, आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी प्लगइन्स थे आपके वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर ऑल इन वन एसईओ का आ गया, यहाँ पर आप देखें एस्ट्रा का आ गया, ये देखें एलिमेंटर के लिए आ गया, सारी चीजें हमारी ओके हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। तो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए ज़ोरान टेक को सब्सक्राइब कर लें। और ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है तो ये कंप्लीट कोर्स लाजमी देखिएगा ताकि आप भी एक ब्लॉगर बन सकें और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।